80 साल के बड़े बुजुर्गों पे जो लाठी चली है वो उन पे नहीं है, लोकतंत्र पे लाठी चली है। और इस समस्या का समाधान बातचीत है। सरकार तुरंत स्थिति गंभीरता को समझे, किसानों को दोबारा बातचीत के लिए बुलाए, बातचीत करके उनकी मांगों को स्वीकार करते इसका समाधान करवाए सरकार, यही समाधान है। लाठी चलाना इसका समाधान नहीं है समस्या का, किसान के हक में कलम चलाना इस समस्या का समाधान है। सर जैसे 80 कल आपने 80 साल के बूढ़ों पे रोहतक में लाठी चार्ज दी है, ये कोई मैं समझता हूँ लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँची है कि सरकार ये आत्ममंथन करे, सरकार आत्ममंथन करे कि जनता में इतना रोष सरकार के प्रति क्यों है। ये वो कुछ कहें मगर हकीकत तो ये है कि उनके विधायक विधानसभा में ये कह रहे थे कि बिना हेलमेट के हम नहीं जा सकते, इतना हमारे प्रति गुस्सा है लोगों में। वो गुस्सा हर वर्ग के हरियाणा के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है ये इस बारे में सरकार सोचे, उनको सोचना चाहिए। बात की है कि विश्वास मत में हम जो है बहुत से, हमने एक बात की थी कि विश्वास मत में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए और ये जजपा पार्टी पूरी पार्टी का चेहरा पूर्ण रूप से बेनकाब उसमें हुआ है। जेजेपी पार्टी ने पहले अपने जो है मतदाता को अपने साथ विश्वासघात किया, बीजेपी के खिलाफ वोट लेके बीजेपी की सरकार बनाई, फिर अपने पार्टी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, अब हरियाणा के किसान के और देश के किसान के साथ भी इस पार्टी ने विश्वासघात किया है। और बड़े दुख की बात है, जैसे मैंने आज एक उदाहरण दिया कि कम से कम पंजाब में सारी पार्टियां तो एक होगी इस पर, क्योंकि पंजाब भी कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा भी कृषि प्रधान प्रदेश है, मगर हरियाणा के अंदर जो है सारी पार्टियों को एक होना चाहिए था इस पर। पंजाब में केवल बीजेपी के 3 विधायकों छोड़ के बाकी सारी विधानसभा कम से कम इन 3 कानूनों के खिलाफ तो हुई। हरियाणा के अंदर दुख की बात यह है कि हरियाणा में किसान मजदूर के मेहनत से अर्थव्यवस्था हरियाणा की टिकी हुई है, ये भी कृषि प्रधान प्रदेश है, मगर यहाँ पे जेजेपी पार्टी जैसी पार्टियाँ हैं जिसने हरियाणा का नाम बदनाम करने का काम किया। तो यहाँ सर 70-80 लोग हैं जजपा पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, आपकी रणनीति को देखिए। हम उनका स्वागत करते हैं बहुत बहुत, प्रदीप हमारे यहाँ के भाई साथ शामिल हुए हैं और कई सारे साथी, इनकी पूरी टीम शामिल हुई है। करनाल में हमने किसान मजदूर पंचायत में नहीं करी, करनाल में